हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने गुरुग्राम में दो दिनों तक आयोग में आए शिकायतों का निपटारा करने के लिए बेंच लगाई। इस दौरान उनके साथ हरियाणा महिला आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल भी मौजूद रही। आयोग ने गुरुग्राम से संबंधित करीब 55 मामलों की सुनवाई की, जिनमें से ज्यादातर मामलों का निपटारा कर दिया गया है। कुछ मामलों में कार्रवाई की गई, जबकि कुछ मामलों में दोनों पक्षों का समझौता करवाया गया। आयोग की उपाध्यक्ष के सामने कुछ ऐसे मामले भी आए जिसको लेकर आयोग असमंजस में भी पड़ गया था। आयोग की उपाध्यक्ष की माने तो एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी के खिलाफ आयोग में शिकायत दी थी। उसकी पत्नी और बेटी दिमागी रूप से बीमार हैं और उसे मारती पीटती हैं। शिकायत के आधार पर आयोग की टीम भारी पुलिस बल के साथ गुरुग्राम के मालिबू टाउन पहुंची, जहां दोनों मां बेटी रहती हैं। टीम ने पाया कि शिकायत के उलट दोनों मां बेटी पूरी तरह से ठीक हैं। इस दौरान महिला ने ही अपने पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।